अलवर संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सामान्य चिकित्सालय के बाहर नर्सेज का धरना 15 दिन भी धरना जारी रहा। आज नर्सेज कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अस्पताल परिसर में खड़े होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कल से ब्लॉक स्तर पर कार्य बहिष्कार होगा। प्रदर्शन के दौरान अधिकारी, संगठन से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित अनेक नर्सेज कर्मी मौजूद रहे। नर्सेज अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि धरने के पहले दिन कर्मचारियों के द्वारा जिला कलेक्टर को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ से लेकर मंत्री जूली, शहर विधायक संजय शर्मा को अपनी 11 सूत्रीय जायज मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। बैरड विधायक को भी ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि नर्सेज कर्मचारियों की मांग है कि वेतन विसंगति, कैडर रिव्यू, निर्देशालय स्थापना, नर्सेज स्टूडेंट की स्थायी फंड बढ़ाए जाने और स्टाफ की पदोन्नति की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर कार्य का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। नर्सेज अध्यक्ष राजपाल यादव ने कहा कि सरकार का अड़ियल रवैया, सरकार मांगे ध्यान नहीं दे रही, सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 23 अगस्त को जयपुर में सभी नर्सेज कर्मियों द्वारा महारैली का आयोजन किया जाएगा।